ये तो इन्होंने फार्मूला बना लिया है अपना कि आप हमें गाली दो हम आपको गाली दें, ये लोग ऐसे ही लटकते रहेंगे बीच में। ये तो हमारा बेवकूफ बनाने का काम है इनका कि जनता बेवकूफ बनती रहेगी। आप हमें कहते रहो कि एलजी काम नहीं कर रहा, हम कहते रहे केजरीवाल काम नहीं कर रहा, तो फांसी तो हम लोगों के लग रही है, गरीब लोगों के, उनका क्या बिगड़ रहा है। तब तो वे जो कहते हैं कि मुझे वोट दो, मैं जी करूंगा वो करूंगा, कत्ते कुछ है नहीं, वोट मिल जाते हैं वो कभी ने अपने का काम खत्म हो जाता है। हमें ऐसी सरकार की कोई जरूरत नहीं है, बड़े शर्म की बात है दोनों सरकारों के लिए, केंद्र के लिए भी और दिल्ली सरकार के लिए भी। चुनाव में जब के जाएंगे जब जूते मारेंगे चिदनिया थे और क्या करेंगे, बखत में तो नोके थे मेरी वोट गेरो, और जब टाइम होता तो तनख्वाह नहीं देता तीन तीन महीने की। जब हम सरकारें बनाने जानते हैं तो हम गिराने भी जानते हैं। सम्मान मिलता तो थी पब्लिक दुनिया भर की जरिए अपना का छोड़ छोड़ के क्यों आती। जैसे मोदी जी ने फूल बरसवाए और थाली भजवाई थी तो क्या उससे हमारी भूख मिट गई, हमारे बच्चों का पेट भर गया, हमारे बच्चे तो बर्बाद हो गए। मोदी जी ने तो घर से निकल कर भी नहीं देखा, केजरीवाल ने घर से निकल कर नहीं देखा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित। आज अभी हम मौजूद हैं कड़कड़ डुम्मा कोर्ट के पास, जहां पर सरकार दिल्ली सरकार के निदेशालय स्वास्थ्य सेवाओं के विभाग द्वारा जो है यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, और तमाम बड़ी संख्या में जो तमाम महिलाएं आप देख पा रहे होंगे, पुरुष भी हैं, इनकी बता दें तो 500 से ज्यादा की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि इन्हें वेतन नहीं दिया गया है कई महीनों से, जो 3 महीनों से ज्यादा हो गए हैं इनको वेतन नहीं दिया गया। तमाम लोग जो है महिलाएं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक और चीज दिखा दे तो ये जो है यहाँ पर केजरीवाल का जो है एक पुतला लगाया गया है, पुतले के साथ जो है चप्पल जूते के जो माले पहनाए गए हैं, पूरी तरीके से खास तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो है जो लोग हैं यहाँ पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने दिनों से प्रदर्शन हो रहा है, 24 दिन हो गए हैं, कोई आया आपसे पूछने? कोई नहीं आया हमसे पूछने के लिए, कोई भी नहीं आया, कोई भी नेता नहीं आया। सांसद विधायक जब आते हैं आपके पास वोट लेने के लिए, जो लोग आते हैं वो लोग भी नहीं आए? नहीं, वो लोग भी नहीं आए हमारे पास। 24 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं, ना हम पे पैसे हैं, ना कोई कुछ साधन है, पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं, बच्चों को छोड़ के आते हैं, अपने को किराए पे रहते हैं, कैसे करेंगे? कोई हमसे कोई नेता पूछने तक अभी तक नहीं आया, 24 दिन हो गए हमें बैठे हुए। अच्छा, वेतन का समस्या है क्या, पूरी बात बताइए, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं हमारी मांगों को हमें पक्का करा जाए, हमें 3 महीने से सैलरी नहीं दिए, हमें ड्यूटी पे से भी हटा दिया गया है, अब हम कहाँ जाएंगे, हमें अब कोई ड्यूटी नहीं देगा, जब हमने 10 साल से हमें यहाँ पर हो गए करते करते, अब कहाँ जाएंगे? तो अब किसी के वो तो है नहीं, नेता ने किसी ने भी यहाँ पे आके नहीं देखा, पैदल आते हैं पैदल जाते, ना कोई सैलरी ना कुछ, तो अपनी मांगे हम मंगवा के ही रहेंगे। आपकी 89 दिन की ड्यूटी होती है, 89 दिनों के लिए ही रखा जाता है? हाँ, बस 3 महीने की वो मेल आती है, बस 3 महीने के लिए रखते हैं, फिर उसके बाद में फिर आगे बढ़ा देते हैं, एक ब्रेक दे देते हैं, एक ब्रेक देते हैं। जब आपको मेल आते हैं तब आप जाते हैं, उसके बाद आप खाली रहते हैं? हाँ जी, जब खाली रहते हैं। तो ऐसा भी है उस बीच अगर आपको कुछ दूसरा काम मिल रहा है तो आप कर लोगे या खाली रहोगे? खाली रहना पड़ता है, नहीं ऐसे कहाँ हो पाएगा, आप कुछ और दूसरा ज्वाइन नहीं करते? नहीं। घर कैसे चल रहा है जब पैसे मिल ही नहीं रहे आप लोग को? घर चला रहे हैं हम तो, घर बस क्या करें, बहुत मजबूर हैं हम, किराया नहीं है, भाड़ा नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों को छोड़ के आते हैं, अपने को सुबह आते हैं ऐसे शाम को जाते हैं, क्या करें? कोई ऐसा भी नहीं कोई उधार दे देगा पैसे, आजकल कोई किसी को देता ही नहीं है, तो अपने कर रहे हैं बस गुजारा, क्या करें। कोरोना काल में भी काम कर? हाँ जी, करा था हमने, 6-6 बजे तक ड्यूटी करी है हमने, सुबह आते थे, छुट्टी नहीं मिलती थी हमें, कोरोना काल में भी ड्यूटी करी है हमने। और उस वक्त कुछ दिया गया आपको? नहीं, कुछ नहीं दिया गया। केंद्र सरकार ने तमाम तालियां बजाई, फूल बरसाए हैं, वेतन नहीं दिए हमें, नहीं दिया कुछ भी नहीं। तो आप साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे महिलाएं किस तरीके से जो है बता रही हैं कि इनके पास घर चलाने का जो है पैसा नहीं है, यहाँ पर जो है और भी लोग हैं, पर क्या बात है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? अब क्या करें, किराए के मकान है, 3-3 महीने तनख्वाह हो गए, 22 साल लगते लगते पागल हो रहे हैं,
क्या 22 सालों से काम किया और क्या कर ही रहे हैं। बहन जो काम करे किराए के मकानों में रहते हैं, धक्के खा रहे हैं, सुबह के आते हैं, रास्ता बूझ बूझ के यहाँ आते हैं, सारे दरिया भरे रहते हैं। जो सांसद विधायक आते थे आपसे वोट मांगने, उनसे नहीं पूछा आपने? वो लोग आए आपके साथ? पूछेंगे जूते लंगे, जूते खाएंगे और क्या करेंगे। आए आपका 24 दिनों से आया तो 24 दिन आते ही परे जब तक तब तो वे जो कहते हैं कि मुझे वोट दो, मैं जी करूंगा वो करूंगा, कत्ते कुछ है नहीं, वोट मिल जाते हैं वो अपने का काम खत्म हो जाता है, क्या कहें फिर बताओ कहाँ जाएं। आप कितने सालों से सेवाएं दिया है आपने? ये आप करते हो? हाँ मैं तो 22 साल हो गई उस डिस्पेंसरी में, 22 साल से मैं तो बूढ़ी हो गई भाई, काम करते करते दिमाग और खराब है। किराए का मकान है, कोई कमाने वाला नहीं, कोई धमाने वाला नहीं। घर कैसे चल रहा है आपका? क्या करें, कर्जा ले लेके चला रहे हैं, दस सैकड़ा पैसे ले लेते हैं, कर्जा चला लेते हैं, हम भूखे तो मरे। कर्जा फिर कैसे चुकाएंगे? चुकाएंगे ऐसे ही मेहनत करेंगे, कोई रेडी लगाएंगे कैसे, ना रेडी लगा सकते ना आ सकते हैं, धन्ने पर नहीं आएंगे तो जीने नहीं देंगे, धन्ने पर तो आना पड़ता है। अब यहाँ आते हैं क्या करें, किसी का हाथ जोड़े उधार सुधार ले फिर यहीं आ जाते हैं। तीन महीने तो तनख्वाह नहीं मिली, एक रुपया नहीं मिला, और चुका खाएंगे क्या और पियेंगे क्या। बच्चों की पढ़ाई कैसे करवा रही हैं आप? बस कैसे करवा रहे हैं, दो दो तीन तीन महीने के बच्चों के ट्यूशन की फीस नहीं जा रही है, बस ऐसे ही हो रहा है, बस क्या बताए, परेशानी तो हो ही रही है। जब दो दो तीन तीन महीने से सैलरी नहीं आएगी, चार चार महीने से मीडिया में आकर केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, दोनों दावे कर रहे हैं कि दिल्ली में बहुत विकास किया है, हर एक कुछ नहीं हो रहा हमारे लिए, तो अभी तो कुछ नहीं किया है, जहाँ कर रहे होंगे कर रहे होंगे। एक सप्ताह अभी नहीं हुआ, अभी केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इस बात के लिए कि एमसीडी के सभी कर्मचारियों को पहली बार जो है टाइम पर तनख्वाह मिला है। पता नहीं हमें तो जब हमारा कुछ होगा तब बताएंगे, आज जब ही हमें पता चलेगा। आपको नहीं मिला हमारे लिए तो अभी कुछ कह रहे थे चुनाव है तो चुनाव में जब के जाएंगे जब जूते मारेंगे चिदनिया थे और क्या करेंगे, बखत में तो नोके थे मेरी वोट गेरो और जब टाइम होता तो तनख्वाह नहीं देते तीन तीन महीने की, क्या करेंगे बच्चे कैसे पढ़ाएंगे। नहीं अभी तो नहीं, अब बच्चे छोड़ ही आते हैं कोई ले जाए। काल में तो स्वास्थ्य कर्मचारियों को सफाई कर्मचारियों को हमारे कोई एक भी कोरोना होगा जब भी लोगों को उन्हें एक छुट्टी भी ना दी गरीब आदमी को तो उन्होंने कितने सम्मान दिया ना। हाँ उन्होंने तो कुछ नहीं, हमारे को तो कुछ नहीं दिया, फूल बरसाए थे, थाली बजवाई, हमारे को थाली बजवाई, खाली मुली थाली बजवाई थी, क्या बजवाया था, कुछ नहीं बजवाई थी, फूल बरसाए थे, थाली सम्मान मिलता था पब्लिक दुनिया भर की जरिए अपना का छोड़ छोड़ के क्यों आती, क्यों धरना लगाते, जो सम्मान ही मिलता था, सम्मान मिलता था क्या करेंगे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हाँ भूख मिटती है यहाँ पर जो है, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बताइए क्या करें। हाँ जी, जैसे मोदी जी ने फूल बरसवाए और थाली भिजवाई थी तो क्या उससे हमारी भूख मिट गई, हमारे बच्चों का पेट भर गया, हमारे बच्चे तो बर्बाद हो गए। मोदी जी ने तो घर से निकल कर भी नहीं देखा, केजरीवाल ने घर से निकल कर नहीं देखा, बाप को बेटे ने नहीं देखा, बेटे को बाप ने नहीं देखा, और हमने सबको देखा, हमने सारे मरीजों के घर पहुँचा का है दवाई, हमने 24 घंटे काम किया, रात को भी किया, दिन को भी किया, और पीपी किट में हमने पानी तक का भी नहीं पाया। बदले में आपको कुछ मिला? बदले में हमको क्या मिला, ये रोड मिला, तीन महीने की हमारी सैलरी भी नहीं थी, और झूठ बोल हमसे काम करवाया, जो कोरोना में काम करेगा उसको डबल सैलरी दी जाएगी, और डबल में से भी डबल सैलरी का वादा, डबल सैलरी बोली थी, और उसमें से भी हमें 15 में से भी 13,000 सैलरी हमारी आई है, आज भी हमारे पास एंट्री है, और कभी हमारी सैलरी टाइम पे नहीं आई, 15 से 20 के बीच में आती है, और अब 3 महीने हो गए, 3 महीने से हमारे पास वो भी नहीं। केजरीवाल जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि वो अपने कर्मचारियों को सही टाइम पर वेतन दे रहे हैं। मैडम बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारी तो जो हमने 3 महीने कमाया हमारा तो उसका वेतन भी नहीं मिला, कहाँ से हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, कहाँ से उन्हें रोटी खिलाएं, कहाँ से उन्हें पढ़ाएं, हमारे बच्चे भी स्कूल से भी घर बैठे हैं क्योंकि स्कूल वाले मानते नहीं हैं, फीस लेके भी तो पढ़ाएंगे, और बच्चे घर भी बैठे हैं, मकान वाले सरकारी स्कूल अच्छा बना तो दिया है, उस प्राइवेट में क्यों भेज रहे हैं बच्चों को? तो सरकारी स्कूल मैडम 10वीं तक के हैं, 12वीं तक के हैं, अगर उससे कोई बच्चा आगे पढ़ना चाहे तो वो तो घर ही बैठेगा ना।
उसे आगे तो नहीं पढ़ा सकते हम, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारी सैलरी तक नहीं मिल रही और किराए पर रहते हैं हम। हमारे मकान मालिक ने हमारे 3-4 बार बर्तन बाहर रख दिए, लोगों की शर्म से कह सुन के आदमी ने जोड़ के हमारा सामान अंदर रखवाया गया है। दुकान वाला भी हमें राशन नहीं देता। तो केजरीवाल साहब से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि भाई मेरी थाली खाली है और आप तो भोजन भी खाते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो अपनी बहनों के साथ, जब तो हमारे भाई थे? क्या भाई बहनों का ऐसी फांसी लगाते हैं कि रोड पर पड़ी रहे और वो भी भूखी? केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए। पूछने आया कोई जो सांसद विधायक आपसे? हमें 24 दिन हो गए, 24 दिन में सबके पास खबर पहुंच रही है, मगर किसी ने यहाँ आके नहीं देखा, ना बीजेपी के नेता ने, ना केजरीवाल सरकार ने और ना ही हमारे डिपार्टमेंट ने, किसी ने यहाँ आके नहीं देखा। हमारी किसी को परवाह नहीं है। जब हम काम करते थे तब तो हमें काम बता दे, ये भी कर लो वो भी कर लो। आज हमारी भूख का किसी को ख्याल नहीं है कि ये भूखे हैं या प्यासे हैं। क्या ऐसी सरकार लेडीजों की इज्जत करती है, महिलाओं की इज्जत करती है? वैसे कहते हैं कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या ऐसे बेटी बचेंगी, ऐसे बेटी पढ़ेंगी जो रोड पर पड़ी हैं, रात दिन रोड पर पड़े रहेंगे? बड़े शर्म की बात है दोनों सरकारों के लिए, केंद्र के लिए भी और दिल्ली सरकार के लिए भी, इससे शर्म की बात। सरकार कहती है कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है और दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं दे रही है। ये तो इन्होंने फार्मूला बना लिया है अपना कि आप हमें गाली दो हम आपको गाली दें, ये लोग ऐसे ही लटकते रहेंगे बीच में। ये तो हमारा बेवकूफ बनाने का काम है इनका कि जनता बेवकूफ बनती रहेगी। आप हमें कहते रहो कि LG काम नहीं कर रहा, हम कहते रहे केजरीवाल काम नहीं कर रहा, तो फांसी तो हम लोगों के लग रही है, गरीब लोगों के, उनका क्या बिगड़ रहा है? उनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, हमारे गरीब लोगों की गर्दन पर तलवार रखी इन दोनों सरकारों ने। आप भी बताइए मैडम हम क्या करें, या केजरीवाल बताए हम क्या करें, मोदी जी बताए हम क्या करें, क्या खाएं हम, कहां जाएं हम? हमने कमा के तो केंद्र सरकार को और केजरीवाल सरकार को दिया, आज हम रोड पे बैठे हैं, क्या करें हम, क्या करें, क्या ऐसा हमारे सम्मान होंगे? कोरोना योद्धा के ऐसे रोड पे बैठाया जाता है? पहले कोरोना योद्धा बताया जब काम करवाना था, और आज हमें भूखे प्यासे यहाँ रोड पे घेर रखा 24 दिनों से, हमारी कोई सुध बुध नहीं ली केंद्र सरकार ने। तो क्या ऐसी सरकारें बना, जब हम सरकारें बना नहीं जानते हैं तो हम गिराने भी जानते हैं। हमें ऐसी सरकार की कोई जरूरत नहीं है कि जो हम भूखे प्यासे रोड पर पड़े रहे। हमारी और केजरीवाल जी की कोई लड़ाई नहीं है, हमने तो अपना भाई माना बेटा माना तभी उसको कुर्सी पर बैठाया था, और आज हमारे साथ इतना अन्याय, केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए, केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए। हमें ऐसा बेटे की या भाई की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे बगैर बेटे के और बगैर भाई के इस ठीक है, अगर ऐसे नालायक भाई और बेटे हों तो। तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरीके से जो है महिलाएं और तमाम पुरुषों ने भी बताया, अपनी ज़िंदगी गुजार दी है, एक लंबा समय दिया है इन्होंने इस स्वास्थ्य विभाग में, सफाई करते हैं और भी तमाम जो हॉस्पिटल में तमाम तरीके के काम होते हैं वो ये लोग करते हैं, लेकिन इन्हें जो है अब बाद में पता चलता है कि अभी ठेकेदारी प्रथा के तहत अब इनकी इन्हें बहाल किया जाएगा, इनके वेतन नहीं दिए जा रहे जिसके कारण इन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है, अपने घर चलाने को पैसे नहीं है, कर्ज लेकर ये काम चला रहे हैं, इनके घर पे पक्का मकान नहीं है, अपना घर नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, मकान मालिक आकर सामान घर से बाहर कर देता है क्योंकि इन्हें रेंट देने के पास के लिए इनके पास पैसे नहीं है। पूरी प्रक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।